please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और प्रणव उपाध्याय बड़ी खबर दे रहे हैं, ब्रिक्स देशों की बैठक में आतंक को बढ़ावा देने पर घिरे पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों का जिक्र ब्रिक्स देशों के जिस घोषणा पत्र में हुआ, पाकिस्तान अब उसे खारिज कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पाकिस्तान ब्रिक्स देशों के घोषणा पत्र को नहीं मानता। पाकिस्तान ने अब भी झूठ बोलना बंद नहीं किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के दावे के मुताबिक पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। पाकिस्तान एक्शन ले चुका है और अब ये तंजीमें जो हैं इनके बाकियात पाकिस्तान में हैं, कुछ कुछ जिनको हम साफ कर रहे हैं, लेकिन इनकी पाकिस्तान में हम जिस चीज़ को कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं, कोई सेफ हेवंस किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। दिले अफगानिस्तान के खुद अपने ऐसे हैं जहाँ हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, तो वो तो पूरे 40% अफगानिस्तान गालिबन सेफ हेवन है, पाकिस्तान नहीं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ भी चीन में मिली करारी हार पर पाकिस्तानी मीडिया को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ख्वाजा के मुताबिक ब्रिक्स घोषणा पत्र में सिर्फ पाकिस्तान के ही आतंकी संगठनों का नाम नहीं लिखा गया। ये ब्रिक्स जो है को इंडिया की सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इसमें इंडिया के अलावा भी और भी ममालिक हैं और उसमें हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी कथित तौर पे कोई नहीं थी। जो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप है TTP जो है उसको भी उन्होंने उसमें इंक्लूड किया है, लेकिन जो बाकी ग्रुप्स हैं उनका भी उन्होंने नाम लिया है। प्रणव उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रणय, पाकिस्तान का रुख वैसा का वैसा ही है जैसे पहले हम देखते रहे हैं, लेकिन इस बार ये कहता हुआ भी पाकिस्तान दिख रहा है कि कार्रवाई हम कर चुके हैं। क्या उस वो मानेगा कि कार्रवाई हुई है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ब्रिक्स सम्मेलन में ये माना नहीं जा रहा है, तभी उसके संगठन वहां पर घोषणा पत्र में शामिल किए गए। देखिए, जहां तक कार्रवाई का सवाल है, कार्रवाई का आकलन हमेशा जमीनी जो स्थिति होती है उससे होता है। पाकिस्तान हमेशा से अपने आप को आतंकवाद का विक्टिम बताता रहा है, कार्रवाई के नाम पर हमेशा कहता रहा है कि वो कार्रवाई कर रहा है, चाहे जरब अजब का हवाला हो चाहे दूसरी जो एक्शन है उनका हवाला दिया गया हो, लेकिन आतंकवाद की घटनाएं लगातार हो रही है, ये संगठन सक्रिय है। अपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से अब्दुल रहमान मक्की, जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जमातुद्दावा, उसका मुखिया खरेआम खुलेआम लाहौर में स्पीचेस दे रहा है, जिहाद को बढ़ाने की बात कर रहा है। ये वही लश्करे तोयबा जमातुद्दावा है जिसका नाम ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में भी है, जैश मोहम्मद का नाम भी है। ये बात ठीक है कि TTP का नाम भी है और दूसरी तंजीमें हैं उनका नाम भी है, लेकिन इनके बीच में आपस में नेक्सस है और इसी बात को ब्रिक्स के डिक्लेरेशन ने जाहिर किया। जहां तक जवाबदेही का सवाल है, जहां तक कार्रवाई का सवाल है, ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बताना होगा, क्योंकि ये सवाल लगातार अर्पिता बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को ये स्पष्ट करना है कि उसने कार्रवाई अगर की है तो कितनी की है और ये आतंकवादी संगठन अगर फिर भी मौजूद है तो आखिर क्यों मौजूद है। शुक्रिया प्रणय।